बहुत सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। एक जो लोग जानना चाहते हैं कहीं ना कहीं, अब जब सर को सर्च करते हैं कृष्णा सर को, तो एक आपका सबसे बड़ा नाम उसमें, तो मैं चाहूँगा मतलब एक तो ये आपकी एक्टिंग, आपने शायद मतलब उस लाइन में आप रही हैं या नहीं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कभी। नहीं नहीं एक्टिंग में मेरा कोई ऐसा, हाँ स्कूल में बहुत सारे थिएटर वगैरह किए हैं और ऑफर्स मिले थे, बट मैंने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा हमेशा शुरू से स्पिरिचुअलिटी की तरफ और सोशल सर्विस, इसी में इंटरेस्ट रहा है। जहाँ तक देखिए सर से मिलने का सवाल है, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ लोगों को, बहुत सारे लोग आते हैं एज फैंस, ठीक है, कि उनसे फ़ोटो खिंचवाना है उनके साथ। वो बहुत डिफरेंट टाइप के इंसान हैं, ठीक है, वो कोई आम एक्टर नहीं है। उन्होंने जब वो पीक में थे तो उस वक्त उन्होंने अपना एक्टिंग करियर अपनी मर्जी से छोड़ा और वो बहुत मतलब गहराई स्पिरिचुअलिटी के गहराई में है और शुरू से वो अकेले रह रहे हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं और वो उन्हीं लोगों से मिलना पसंद करते हैं जो ध्यान या अध्यात्म में इंटरेस्टेड हो। बाकी जो है क्या है कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में जिज्ञासा होती है, उनका पर्सनल लाइफ क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो वो ऐसे इंसान नहीं है कि किसी के साथ बैठ के ये सारी, वो कभी कोई पर्सनल बात नहीं करते। वो या तो ध्यान की बात करते हैं या योग की चर्चा करते हैं या ऐसी चर्चा करते हैं जिससे आपका लाइफ चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सके, या वो हेल्थ की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं, किसी मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई बात नहीं करनी है, जस्ट सिर्फ जैसे है ना टाइम पास, तो ऐसे लोगों को वो अवॉइड करते हैं क्योंकि अब वो लाइट हाउस चलाते हैं, लाइट हाउस में लोग आते हैं मेडिटेशन करने, वर्कशॉप करने, और वाकई अगर किसी को लाइफ अपना ट्रांसफॉर्म करना है तो वो आए। वो उसका एक प्रोसीजर है, बहुत बार वो उसके बारे में फेसबुक में बता चुके हैं, तो उस प्रोसीजर के थ्रू आए तो बेटर है, ठीक है। तो और लेकिन अगर सिर्फ ऐसे आए, उनकी एक डायलॉग बहुत प्रचलित है, वो बोलते हैं कि भाई मुझे फ़ैन नहीं चाहिए, मेरे पास घर में वैसे ही 10 पंखे लगे हुए, मैं उनमें से 8 को यूज़ नहीं करता हूँ, तो आई डोंट वांट फैंस। क्योंकि देखिए क्या है ना, आपने एक किरदार देखा है, आप उस किरदार के फ़ैन हैं, आप सर्वदमन बैनर्जी को नहीं जानते। आपने कृष्णा सीरियल देखा है, आप उस किरदार के फ़ैन हैं। तो किरदार जब आप कोई देख रहे हैं तो उस किरदार को आप देखिए, अगर आपको गहराई इसमें जानना है कि वो इंसान क्या है तब आप जाइए, ठीक है। चूंकि आपको वो किरदार पसंद आया है, आपको स्वामी विवेकानंद किरदार पसंद आया है, आपको राम या आपको कृष्ण का किरदार पसंद आया है, बस कौतूहल से आप जाके दो फोटो खिंचवाएंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सच में जानना है और आपको अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है, अपना लाइफ चेंज करना है, देन यू शुड गो एंड मीट हिम। और उसका टाइम है, प्रॉपर टाइम विद प्रॉपर अपॉइंटमेंट आइए, वो मिलते हैं, बहुत प्यार से बैठते हैं, बात करते हैं। बट ऐसे ही कोई रात को 10 बजे आ गया, 11 बजे आ गया, जी हमें आपके साथ फोटो खिंचवाना है, तो ही टोटली अवॉइड्स इट। हाँ, लाइट हाउस को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं जानना भी चाहते हैं, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैं भी चाहूँगा कि इन फ्यूचर में कभी लगता है तो लोग उसके बारे में कंप्लीट जान सकें, क्या मेडिटेशन, क्योंकि आजकल मेडिटेशन के बारे में बहुत सी धारणाएं चल रही हैं, जैसा कि आप देख रही हैं। और खास करके अगर मैं बात करूं तो बॉलीवुड की वजह से इसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा है। एक तरीके से मेडिटेशन को उन्होंने शरीर के व्यायाम में कन्वर्ट कर दिया है कि आप सुबह उठ के 1 घंटा 2 घंटा व्यायाम कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में उनकी कोई चेंज नहीं है, माइंड सेट में उनके कोई चेंज नहीं आया। कोई अगर उनसे 2 शब्द ऊंची आवाज में भी बोल दे तो वो तुरंत रिटेलिएट करते हैं उसको, हाउ कैन यू से दैट। सो मतलब मेडिटेशन का मतलब मैम, जितना मैं समझता हूँ अभी तक, कहीं ना कहीं कि जो आपको इंटरनली चेंज कर सके, आपका लगाव कितना। देखिए लाइट हाउस के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो लाइट हाउस का वेबसाइट है, ठीक है, कृष्ण गंगा लाइट हाउस, उसका एक पेज भी बना हुआ है, उसका वेबसाइट भी है, वहाँ एडमिट होने का पूरा प्रोसीजर भी है। और जहाँ तक मेडिटेशन की बात है, वैसे तो इस बारे में वो बेटर बता सकते हैं, लेकिन एक उन्हीं की लाइन जो हम दोहराना चाहेंगे वो है, मेडिटेशन इज वेयर द मेडिटेटर इज नॉट। ध्यान वो है जहाँ पे कोई ध्यान करने वाला नहीं होता है, बस। पूरी दुनिया में ध्यान को इतनी सादा, ये विधि है तो ये करो, ये ऐसे कूदो ऐसे करो,
ये इसको एक सर्कस बना दिया है या मेंटल जगलरी जिसको बोलते हैं ये बना दिया है, जबकि ध्यान इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, माइंड का उसमें कोई काम ही नहीं है, और सारी विधियां जो है वो माइंड के रिलेटेड ही है। आप माइंड को ही स्ट्रांग कर रहे हो, माइंड को ही वीक कर रहे हो, माइंड में ही फंसे हुए हो। तो क्या आप माइंड से निकलने का कोई रास्ता है? माइंड से क्या निकला जा सकता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन है। तो जो भी मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है, सबसे पहले तो बताए कि भाई वो मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं, क्यों है? बहुत लोग हैं कि वो बस ऐसे ही जी थोड़ा बहुत हम काम भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर लेंगे, थोड़ा क्यों मेडिटेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, मेडिटेशन क्या है? तो उसके लिए देखिए, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम जी मुझे आधे घंटे के लिए एक सीरियल आ रहा है, वो आधे घंटे के लिए एक सीरियल देखना, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, इट इज़ अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग। तो सबसे पहले तो आप अपने काम निपटाइए, अपने को फिनेंशियली स्टेबल कीजिए, अपने लिए जो भी, बहुत से ऐसे यंग लोग आते हैं घर से भाग के, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हैं, वो अपना पैसा नहीं कमाते हैं, उनके ऊपर दो लोग डिपेंडेंट हैं, जी सब छोड़ छाड़ के सर आपके पास रहना है, हमें मेडिटेशन करना है। वो मेडिटेशन नहीं कर रहे, वो एस्केप कर रहे, वो भाग रहे अपनी जिम्मेदारियों से, तो वो कभी मेडिटेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चीज़ें भैया, अपने सारे काम पूरे करो, उसको अच्छे से करो। अच्छा, मेडिटेशन आपने जितना किया उसकी रियल प्रैक्टिस तो मुझे लगता है तभी है कि जब आप 10-50 लोगों के बीच में हैं और आप इस चीज की हेल्प से, इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग। और सबसे पहली चीज है, देखिए यंगस्टर्स को ये वो भी बताते हैं और ये सही बात है कि आप सबसे पहले जो अपने बेसिक चीजें ठीक करो, बेसिक काम जो है, और जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरी 100% ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से करो, उसको पूरे डिवोशन के साथ करो। मेन चीज़, फर्स्ट चीज़ वो है, ठीक है। जब आपने अपने बेसिक चीज़ें ठीक कर ली हैं, उसके बाद इफ़ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, देन कम एंड कम विद टाइम इन हैंड। ये नहीं है कि आप एक मोबाइल फ़ोन लेके 10 बार घर में भी मोबाइल फ़ोन, फिर जो मेडिटेशन करने जो इंटरेस्टेड नहीं होता है, फिर उसको मम्मी भी याद आ जाती है, पापा भी याद आ जाते हैं, फिर दो मिनट बाद वाइफ भी आ जाते, फिर बच्चे भी याद आ जाते, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन। तो इट इज़ अ प्लेस, I would say lighthouse is a place for serious people, you know, serious seekers. It is not for time pass. पंख में जो बच्चे हैं इस समय और जो उनका बिहेवियर पे हमने जो अभी इतनी देर डिस्कशन किया, कहीं ना कहीं इस मेडिटेशन का उनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट। सिर्फ वो ही नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है बच्चे को, हमारे स्कूल में एक वो सबसे है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं ना चाहते हुए भी उस टॉपिक पर बार बार आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से फील किया है। और मैं इतने स्कूलों में गया हूँ, इतने बड़े बड़े जो CBSE ICSE जिनके लाखों करोड़ों के टर्नओवर हैं, और मैम मैं सच बता रहा हूँ, मैनर्स के नाम पर वो बाहर निकलते ही अपने टीचरों को गाली दे रहे हैं। देखिए बच्चे को सबसे पहले ना, जैसे पंख में हम ये चीज करते हैं, बच्चे को कभी कोई चीज हम लोग लॉजिकली समझाते नहीं है। अगर बच्चे ने कोई गलती की है, हर बच्चा गलती, बच्चे क्या सबसे ज्यादा तो बड़े गलती करते हैं, तो हम उसका, हमारा रिस्पॉन्स होता है ये नहीं करना है, यहाँ नहीं बैठना है, ये नहीं खाना है, ये, तो जो चीज़ उसको अपील नहीं करता है ना, वो उसको दोबारा करेगा। और एक बार अगर उस चीज़ को वो अपील कर जाए कि मैं ये क्यों ना करूँ और मैं ये क्यों करूँ, उसको आप जब सोचने के लिए मजबूर करते हैं, तब उसके अंदर चेंज आता है, तब जो उसका व्यवहार होता है वो फेक नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग का इम्पोज डिसिप्लिन नहीं है। आप अगर यहाँ वैसे देखेंगे पंख में, अगर आप रेगुलरली इफ़ यू आर विजिटिंग पंख, आप देखेंगे आधेतर कभी कोई नाच रहा है, कूद रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, हमारे इवेंट्स ही होते रहते हैं। मतलब सैटरडे आप आइए तो सैटरडे कोई पढ़ाई नहीं होती है, वी आर हैविंग इवेंट्स रेगुलरली। तो हम लोग कोई ऐसे ऊपर से थोप के डिसिप्लिन करने की कोशिश नहीं करते। खेल खेल में जो बच्चा सीखता है, खेल खेल में वो व्यवहार सीखता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो व्यवहार आप बच्चे के साथ करोगे, बच्चा वो व्यवहार ही आगे चल के करेगा। पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ झूठ बोले, पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करे, ठीक है, पेरेंट्स अगर सारा दिन आपस में लड़े, ठीक है, टीचर्स आए, टीचर्स फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकाले, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर अच्छा होगा? बच्चे का बिहेवियर कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे ये आपका बिहेवियर अच्छा है, तो बच्चा अपने आप वो चीज़ सीखेगा। बच्चे का बिहेवियर में भी, जो मेरे पास बच्चे आते हैं तो हम उनसे वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे एक एडल्ट के साथ बिहेव किया जा सकता है।